Hold up. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। रमदान करीम मुबारक आप सब मुस्लिम्स को, और उन मुस्लिम्स को भी जो मे बी फ़र्स्ट टाइम ये रमदान एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या करेंगे। फ़र्स्ट टाइम अगर आपका रमदान होगा, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अल्लाह आपकी और हर तमाम मुसलमानों की दुआएँ, नमाजें और सारे रोज़े, सारी इबादतें कबूल करें। आमीन वस्सुम आमीन। आई नो आई हैव नॉट बीन व्लॉगिंग सिंस Forever, I'm gonna say, because I have been really, really busy. और मुझे ये भी पता है, मैं अपने तकरीबन हर ब्लॉग में कहती हूँ कि मैं बहुत बिजी थी। कसम से मैं बहुत बिजी थी, और मैं स्टिल मतलब यह सेमेस्टर का आखिरी टाइम चल रहा है। इवन मेरा ये सेमेस्टर लिटरली बहुत भारी गया है। इस सेमेस्टर में मेरे बहुत शूट्स हुए हैं, बहुत असाइनमेंट्स थे, बहुत बहुत ज़्यादा भारी गया है मेरा ये सेमेस्टर। सो स्टिल सेमेस्टर ऑफ नहीं हुआ है, और मैं अभी भी सेमेस्टर के काम में काम कर रही हूँ। हमारी एक डॉक्यूमेंट्री जो मैं जिस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही हूँ, तो अभी भी मैं उसी को ही फिर देखने लगी हूँ। बट पहले मैंने सोचा कि हम व्लॉग स्टार्ट करें, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मैं सोच रही थी मैं एक पूरा रमदान डेली व्लॉगिंग करूं। आई डू नॉट नो इफ यू गाइस वांट टू सी माय डेली व्लॉगिंग। मैं हमेशा ये कहती हूं कि मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग करना थोड़ा रोक देती हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। बट मैंने अभी ये सोचा है कि भले इफ़ आई डू नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट, बट आई एम स्टिल thinking to do daily vlogging this whole Ramadan. And if you guys want to see that, agar aap log literally dekhna chahte hain, then only I'm going to do, warna mujhe nahi pata, to please let me know. Aaj pehli sehri ka time ho gaya hai. I woke up like half an hour ago, because kaafi saare zalo se chalta aa raha hai. I'm the one who makes this sehri, but agar ghar mein koi cook ho ya koi bada hota hai, so I asked them to help me in like making rotis. Mujhe gol rotiyan banani aati hain, tabhi bhi banane nahi aati. Ya to main kachchi chhod देती हूँ, या मैं ओवर कुक कर लेती हूँ और वो जल जाती हैं। तो ये है, बाकी सारा काम कर दिया तो मेरे मामा को उठाया, वो पराठे बना रही हैं, और बाकी सारा काम मैं करके आ चुकी हूँ। मैंने शर्ट चेंज की है जस्ट बिकॉज लास्ट ट्रिप के कपड़े सेम ना हो जाए, दैट्स द ओनली रीज़न आई हैव चेंज्ड माय शर्ट। अब मैं मामा के पास जा रही हूँ, इफ शी नीड्स एनी हेल्प, बिकॉज वो एक्चुअली मेरी हेल्प कर रही हैं, सिर्फ यू नो सामान लगाना है टेबल पर। बट मामा के पास मैं जा रही हूँ, इफ शी नीड्स एनी हेल्प फ्रॉम मी, सो आई एम गोना सी यू गाइस लेटर। I'm having my tea because this thing is mandatory. मुझे ये चाहिए होती है, इस चीज़ के बगैर मेरी सहरी कंप्लीट नहीं है। That's what I'm having. I love tea. सहरी भी कर ली, नमाज भी पढ़ ली, और अब टाइम है सोने का। सो मैं मिलूँगी आप लोग से कल इंशाल्लाह। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। Hello everyone, it's next day and I have just woken up. Actually not just woken up, I woke up at like 10:30ish, took a quick shower, proper shower liya, not a quick one. मैं सोच रही हूँ क्या किया जाए। मैं प्रोकेस्टिनेट करूँगी डेफिनेटली, जिसमें आई एम रियली गुड एट इट। वेल एक्चुअली उसका भी टाइम नहीं है, आई हैव टू मेक द डॉक्यूमेंट्री। फर्स्ट टाइम मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, सो आई हैव नॉट एज सच एक्सपीरियंस कि कैसे बनती है। दूसरा हमारी ग्रुप मेम्बर है जो कि काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज है, वाई आई एम टचिंग है एनी वेज, काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज है, दो तीन हफ्तों से वो बैक एंड फोर्थ हॉस्पिटलाइज एंड डिस्चार्ज होती जा रही थी, बट वो अगेन हॉस्पिटलाइज है। सो हमारा पूरा ग्रुप, वी माइट गो एंड मीट हर, एंड इफ शी वुड बी कम्फर्टेबल आई माइट व्लॉग देयर एज वेल, नॉट श्योर अबाउट इट। करेंगे अब हम ये करेंगे कि हम यूट्यूब पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, जिससे हमें एक फेयर इनफ अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे चलना। वैसे आई नो डॉक्यूमेंट्रीज कैसी होती हैं और कैसे चलती हैं, बट यू नो एक स्क्रिप्ट बनानी होती है, सो आई डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। वेल एक्चुअली आई नो, बट आई एम नॉट श्योर, यू नो वो वाला सीन चल रहा है। रेडी आई एम अबाउट टू लीव नाउ। मैं वहाँ पे व्लॉग करना देखूँगी, अगर शी इज कम्फर्टेबल देन ओनली आई एम गोइंग टू व्लॉग। सो या भाई, पेट भर के इफ्तारी कर ली और अपना फर्ज पूरा कर लिया नमाज पढ़ के, अब चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। यार आप लोग गैस नहीं कर सके, अब चाहिए चाय, इम्पॉर्टेंट। और वो कौन बनाएगा?
आपकी बहन को बोला गया चाय बनाने के लिए, तो चले चाय बनाते हैं। चाय बनने के बाद मैंडेटरी स्नैपचैट लगेगा चाय की विद द कैप्शन मैंडेटरी चाय बेसिक पाकीज। छोटा सा ट्रैपॉड बनाया है अपने दोनों कैंडल से, आई होप आप लोग गिरो नहीं। सो आज का ब्लॉग तो आज का ब्लॉग तो ऑलमोस्ट घर ही में गुजर गया एंड आई वॉज अबाउट एंड नाउ आई एम अबाउट टू एंड दिस ब्लॉग। बट बिफोर एंडिंग दी ब्लॉग मुझे क्वेश्चंस ऐड करने हैं, जो कि मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की थी जिसकी वजह जो आप लोग क्वेश्चंस करते थे उसको मैं अपने ब्लॉग में रिप्लाई करती थी। मेरा कैमरा हिल रहा है, होपफुली गिरे ना हवा से। जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं इससे पहले गिरे ना। ओके, आज के क्वेश्चंस जो मैं इंक्लूड करूँगी वो हैं जैनब खान के। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया हाउ ओल्ड आर यू। इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, तकरीबन मेरे हर क्यू एन ए में ये सवाल ज़रूर आता है। और व्हाट्स योर फेवरेट हेयर कलर। मेरा जो अभी मेरा हेयर कलर हुआ हुआ है ये, और जो लास्ट टाइम हुआ हुआ था वो था पहले लास्ट टाइम था कॉपर ब्राउन कॉपर ब्लॉन्ड एंड अभी ब्राउन के टोन में आया हुआ है। सो ये दो हेयर कलर्स मुझे जो मैंने अपने हेयर कलर किया जिसका पसंद ब्लॉन्ड साइड में जाए वो धूप में बहुत अच्छा लगता है। सो ब्राउन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लॉन्ड भी बहुत अच्छा लगता है सेपरेट में भी। बट यहाँ पे अच्छा मुझे शौक कभी चढ़ता है कि मैंने अपने आप अपने बालों को बहुत फैशन कलर के, जैसे ब्लू हो या पर्पल हो, पिंक मुझे करने का बहुत शौक है, लाइक फुल खोलता पिंक नहीं, लाइट सा बेबी पिंक। बट यहाँ पे चलेगा नहीं, पाकिस्तान में लोग पागल समझेंगे, कोई यहाँ के ये फैशन वगैरह नहीं चलता, इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो व्हाट्स योर बिगेस्ट विश इन योर लाइफ। कुछ गोल्स हैं जो कि मुझे डेफिनेटली उनको अचीव करना है। सबसे बड़ा गोल है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ और अपने माँ बाप को घुमाना चाहती हूँ पूरी दुनिया। सबसे बड़ा गोल ये है मेरा। वट काइंड ऑफ स्टूडेंट वर यू इन योर स्कूल। टू बी ऑनेस्ट मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट में से काउंट नहीं थी, बट मैं बहुत लूजर्स बच्चों में भी नहीं थी। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एंड या डू यू नो अबाउट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इफ़ यू नो नेम सम ऑफ देम। मैंने इसका रिप्लाई लास्ट वीडियो में किया था, यही कैमरा हिल रहा है, गिरे नाम बस ये। एनी वेज मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का पता है ऑब्वियसली, और मैंने इसका लास्ट नाम दिया था आई नो इरफान जुनेजो, आई नो निशु खान, आई नो नूशे ग्लॉसिब्स खतीजा द शहजाद शो अब्दुल्ला खटक और भी बहुत सारा है। अच्छा, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। इरफान जुनेजो सबको पता है, वो बहुत अच्छे हैं। योर मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड मूवी। पहले ज़माने की मूवीज़ अच्छी थी, पहले ज़माने की जो इंडियन मूवीज़ थी अच्छी थी, कुछ सेंस था। अब की मूवीज़ में वो मज़ा नहीं है, लाइक उनको बस दिखाना होता है और बस ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है, दैट इज़ इट। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, पहले के सॉन्ग्स में मज़े था, लाइक अच्छे थे, और अब के में सिर्फ एक चीज़ पे लोग फोकस्ड होते हैं और वो ऑडियंस को ग्रैप करने के लिए, ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए ऑडियंस ग्रैप होती है, दैट इज़ इट, और कोई सर पैर नहीं है। जैसे एक बॉलीवुड मूवी की बात करते हैं, बाजीराव मस्तानी, कौन का नाम नहीं आता, बाजीराव मस्तानी का दूसरा पार्ट था, नॉट दूसरा पार्ट बट कोई सेंस नहीं था, बट जो आर्ट डायरेक्शन थी, प्रोडक्शन थी और जो शॉर्ट्स उन्होंने लिए थे एंड एवरीथिंग बाकी बहुत 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 खूबसूरत था, उसकी वजह से बहुत अच्छा लगा, जिसमें खली बली सॉन्ग आता है। सो स्टोरी कुछ ऐसी स्टोरी नहीं थी बट आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, वो बहुत बेस्ट थी, इतनी खूबसूरत सी ड्रॉयल दिखाया गया है। एंड एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, दीपिका को तो उन्होंने इसमें मेन बनाया था बट मुझे मेहरून निसा ज़्यादा उसमें पसंद है, उनको उसको मेन बनाना चाहिए था, मेन लीड रोल देना चाहिए। मुझे लगा, मुझे आप लोग का नहीं पता, आप मे भी आप लोगों को दीपिका मेन लीड पे पसंद आई, दीपिका खूबसूरत है, वो हर चीज़ में अच्छी लगती है, बट मैं अगर मुझे मेहरून निसा उसमें ज़्यादा खूबसूरत लगती, बहुत प्यारी लगती। सो या अच्छा, योर मोस्ट फेवरेट लॉलीवुड मूवी। लॉलीवुड मूवी बोल बहुत अच्छी थी, बोल मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे, उसमें थोड़ा सा उन्होंने चलाया स्टार्ट में एंड इतनी अच्छी लगी थी, कोई आधे घंटे की वो फिल्म चली थी, पूरी फिल्म उन्होंने ऑब्वियसली नहीं चलाई थी, बट बोल मुझे बहुत पसंद आई और उसको फिर देखी। तो लॉलीवुड मूवी में बोल बेस्ट थी।
what can you cook and bake? I can cook almost everything and bake almost everything. Baking भी की है, मैंने cakes bake किए हैं, donut bake किया है, pizza bake किया है, और क्या bake किया है? और cooking में I can cook almost everything. Yeah. So I think I'm going to end this vlog right here. And that these were all the questions asked by Zainab. और मैं बहुत बुरी लग रही हूँ. Who cares? Anyways. And आज का vlog तो पूरा घर में घुस रहा है. And I'm not assuming. I know. I'm pretty sure that आगे की vlogs बहुत सारे घर में घुस रहेंगे. If you guys enjoyed this vlog, let me know and I might do more vlogs in the future. Like मैंने सोचा है मैं पूरे Ramadan daily vlogging करूँगी. So I hope you guys enjoyed this vlog. And if you did, do not forget to subscribe. Do not forget to subscribe to my channel, like this video, and also do not forget to hit that like button. But also do not forget to hit that bell button so you guys do not miss out on my future videos that I might be uploading throughout the Ramadan. Yeah, until then, take care of yourself, stay healthy and stay positive. Allah Hafiz, Piyaman Allah.